हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमा मेहरा पे। आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं। स्पेशली लेडीजों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं योनि में यानी कि प्राइवेट पार्ट में दाने होने का क्या कारण होता है, फोड़े फुंसी फंगल इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है, कैसे हम इनसे बचे, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, और सबसे बड़ी बात हम ये करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये दाने फोड़े फुंसी हमें हो ही ना। तो बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, लास्ट तक जरूर बने रहे, एक भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट भी मिस कर देते हैं तो आपको इससे पूरी पूरी मदद नहीं मिल पाएगी। तो लास्ट तक जरूर बने रहे हमारे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी हम आगे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास जाए, आपसे वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे डेली लेके आते हैं। सो चलिए सबसे पहले तो हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। वजाइना में प्राइवेट पार्ट में दाने होने के क्या कारण होते हैं, क्योंकि जब हमें कारण पता होगा तभी हम उसका उचित ट्रीटमेंट ले पाएंगे, तभी हम उसको सही कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण होता है जो गर्ल्स होती है, लेडीज होती है, वो अगर पीरियड के दौरान यानी मेंसेस के दौरान एमसी के दौरान हाइजीन मेंटेन नहीं रखती है तो इससे आपको दाने होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। फंगल इन्फेक्शन इस समय होने की संभावना इस टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है अगर जब आप अपने हस्बैंड के साथ संबंध बना रही है तो उसके बाद प्रॉपर वॉश नहीं कर रही है, अच्छे से क्लीन नहीं कर रही है उस एरिया को, तो इससे भी काफी ज्यादा फोड़े फुंसी या फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण होता है आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, क्योंकि अगर आप खाने में ऐसी चीजें नहीं ले रही हैं जैसे विटामिन सी हो गया जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालता है, अगर आपके बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलेगा तो सारी गंदगी आपकी बॉडी में रहेगी, उसको कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना है किसी न किसी रूप से, तो वो फुंसी और दाने के रूप में आपके फेस में भी हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट में भी वो निकल सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करें कि जिससे कि हमारे ये जो फोड़े फुंसी हैं इसकी समस्या ही ना हो। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, पीरियड्स में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली पैड आपको प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा। जैसे बहुत सी लेडीजें क्या करती हैं या फिर लड़कियां क्या करती हैं कि काफी लंबे समय तक एक ही पैड यूज करती हैं, तो उस टाइम पे काफी हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आपकी जो योनि है उसको, आपके प्राइवेट पार्ट को काफी हाइजीन की जरूरत होती है, तो आपको ऐसे माइल्ड सॉप या फिर बॉडी वॉशेस यूज करने हैं जिससे कि जो सारी गंदगी है वो क्लीन हो सके। और कुछ लेडीजें क्या करती है कि अभी भी गांव में जो है कपड़े के, गंदे कपड़ों के और सूती भी नहीं होते हैं, वो गंदे गंदे कपड़ों के पैड पहनती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी जो योनि है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाती, उसके जो रोम छिद्र है वो नहीं खुल पाते, तो ऐसे में फुंसियां वहां पे गर्मी के कारण फुंसियां होना नॉर्मल सी बात है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सी लेडीजें जब अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाती हैं तो उसके बाद प्रॉपर जो वजाइना है उसको क्लीन नहीं करती हैं, और जो हस्बैंड है वो भी जो है हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के और जो है आपकी वजाइना में फोड़े फुंसी होने के। दूसरा, आपको जो है अपनी लाइफस्टाइल काफी सही रखनी है, आपके जो है पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है, आपको विटामिन सी ज्यादा लेना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके बॉडी के जो भी टॉक्सिन है, जो भी गंदे पदार्थ है वो फ्लैश आउट हो सके यूरिन के थ्रू, वो अच्छे से निकल सके, ताकि हमें फोड़े फुंसी कब्ज गैस ये सबकी समस्या होगी ही नहीं और पिंपल्स भी आपको नहीं होंगे। तो इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, डॉक्टर ही बताएंगे चेक करके कि ये किस कारण हुआ है, किस टाइप के ये फोड़े हैं, किस कारण हुआ है, कहीं ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर हाइजीन मेंटेन ना रखने के वजह से ये फोड़े फुंसी हुए हैं, तो उसी हिसाब से आपको ऑइंटमेंट या फिर जो टेबलेट जो भी है मेडिसिन है वो डॉक्टर देंगे उसी अनुसार। आप घर में अपने आप अपने मर्जी से या फिर मेडिकल शॉप से, केमिस्ट से कोई भी जो है दवाई लाके आप खाना शुरू ना करें या फिर ऑइंटमेंट लाके लगाना शुरू ना करें, ऐसे क्या होगा कि कहीं और भी ये बढ़ ना जाए। और इसमें आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, लास्टली मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपनी हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन रखें, जैसे पीरियड्स के समय हो गया या फिर नॉर्मली भी
जब आप नहाते हैं तो काफी हाइजीन मेंटेन करके रखें। आप सिस्ट बाथ ले सकती हैं, जैसे गुनगुने पानी में आप एक ढक्कन सेवलॉन का डाल के उस पर आप कुछ समय 15 मिनट उस टब में बैठ के अच्छे से ये पूरी एरिया कमर से नीचे वाली एरिया को डिप करके रखें, जिससे कि क्या होगा कि काफी जो गंदगी है वो भी निकलेगी, प्लस जो है आपके एक तरह का रिलैक्स आपको मिलेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस चीज से बचने के लिए, काफी हद तक इसमें राहत पाने के लिए, जिससे कि आपका इन्फेक्शन और ना बढ़े, इसके लिए आप क्या करिए, नीम के पत्ते लीजिए। नीम के पत्ते, जैसे कि सभी को पता है, नीम के पत्तों से दवाइयां बनती हैं। कुछ पत्तियां नीम की ले लेनी है और एक गिलास पानी में उसको उबाल लेना है। एक गिलास चाहे दो गिलास, जितना हो, जितना आपको जरूरत है उस अकॉर्डिंग आपको उबाल लेना है। उसमें नीम की पत्तियों को साफ करके धुल के डाल देना है। अब उसको इतना खौलाना है कि वो आधा रह जाए। अब उस पानी से आप जो है प्रॉपर जो है दिन में एक बार अपनी वजाइना को क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो फंगल हुआ है या फिर जो फोड़े फुंसी हुए हैं वो आगे ना बढ़े। क्या होगा कि ये अगर हमने इस स्टेज में जो है ध्यान नहीं रखा, शुरुआत में ही ध्यान नहीं रखा, तो ये बढ़ते बढ़ते और ऊपर चले जाते हैं और काफी गंभीर समस्या भी लेडीजों को हो जाती है। लेडीजें इसको नेग्लेक्ट करती है, ध्यान नहीं देती है, जिससे कि वो समस्या बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी लेडीजें परेशान हो जाती है। तो शुरुआत में ही आपको ध्यान रखना है और समय रहते डॉक्टर को दिखाना है। और जो ये नीम का पानी मैंने कहा, दिन में एक बार अगर इससे आप प्रॉपर वजाइना, नॉर्मली भी अगर आपको जो है इस तरह की समस्या नहीं है, फोड़े फुंसी की समस्या नहीं है, तब भी आप वॉश कर सकते हैं, ताकि बाद में भी आपको कभी भी इस तरह की समस्या ना हो। तो उस पानी से आप प्रॉपर धोइए। इस पानी को आप पी भी सकते हैं, जी हाँ, जो कि आपकी बॉडी की गंदगी को, टॉक्सिन को निकालेगा, आपकी पेट की सफाई करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट में लिखें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक देख के, कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए डेली लाने के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।